सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, और आप किसी सिंपल क्लोज पैकिंग, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग की पैकिंग एफिशिएंसी कैसे मालूम करते हो। नमस्ते, मेरा नाम अमित दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, पैकिंग फ्रैक्शन इन सिंपल फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड लैटिस। ठीक है, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल चार सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है, फिर हम क्या पढ़ेंगे, सिंपल क्यूबिक लैटिस का पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, फिर हम क्या पढ़ेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, फिर हम क्या पढ़ेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की पैकिंग फ्रैक्शन। तो पहले क्या बात करते हैं, डेफिनेशन ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। तो मैं इसको भाई सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। ये होता है जब कोई एटम आप पैकिंग में भरते हो, जब भाई कोई आप पैकिंग करते हो एटम्स की, जैसे सोडियम की आपने पैकिंग कर रखी है, क्या होती है, बॉडी सेंटर्ड पैकिंग। ठीक है, बात कई एटम किसमें होते हैं, फेस सेंटर्ड पैकिंग में। तो कोई पैकिंग करने के बाद एटम्स की, उसमें ये नहीं होता कि उसमें सारी जगह भर जाती है आपको, ऐसे कैसे। आप फर्ज करो कि हमारे पास एक पीपा है, क्या एक पीपा, एक बड़ा पीपा हमारे पास भाई, और इसमें हमने डाल रखी है बहुत सारी मार्बल्स। क्या डाल रखी हैं, मार्बल मतलब कंचे। इसमें हमने भाई 10x10 मार्बल ऐसे, 10 मार्बल ऐसे, यानी 100 मार्बल हमने इसके फर्श में बिछा रखी है। किसके, इस पीपे के फर्श पे बेटा आपने 100 मार्बल्स बिछा रखी है, 100 के ऊपर 100 और बिछा दी, 100 के ऊपर 100 और, 100 के ऊपर 100 और, 100, समझे बात। तो हमने इसको भर रखा है एक तरह से सिंपल क्लोज पैकिंग में। किसे भर रखा है, नहीं भर रखा क्या, क्यों, 10x10 की लेयर है तो स्क्वेयर क्लोज पैकिंग, उसको डुप्लीकेट कर रखा बार बार। तो पीपे में जो मार्बल भरी हुई है वो कैसे भरी हुई है, स्क्वेयर क्लोज पैकिंग, टू डायमेंशन में, और थ्री डी में क्या है, सिंपल क्लोज पैकिंग, नहीं है क्या। और इस पीपे को आप ऊपर तक भर दो, बिल्कुल मार्बल से ऊपर तक भर दो भाई, तो आपके हिसाब से ये पीपा क्या पूरी तरह से भरा हुआ है। अब पीपा मान लो, बताओ क्या हमारे पास 10 लीटर का, कितना आइए, मतलब फर्ज करो भाई 10 लीटर का हमारे पास पीपा है, क्या ये पूरा भरा हुआ है मार्बल से, पूरा भरा हुआ ना, तो आपके अकॉर्डिंग इसमें कुछ नहीं आना चाहिए। अब इसमें अगर पानी डालूं तो कैसे, कहते भरा हुआ, तो भाई ये तो भरा हुआ है, फिर इसमें पानी कैसे आ जाएगा, इसमें आपने कंचे भरे हुए हैं सिंपल क्लोज पैकिंग में, यहां तक ऊपर तक, और उसके बाद आपने इसमें क्या भर दिया, पानी भर दिया, तो इसमें कंचे भरे ऊपर तक, 10 लीटर पीपा है। लेकिन जब आपने इसमें कंचे भरे ना, तो भरने पूरी तरह भरने के बाद भी इसमें ये मानो कि भाई 4.6 लीटर पानी आ जाएगा इसके अंदर, कितना, 6 लीटर पानी। इसका मतलब क्या है कि जो कंचे इसके अंदर भरे ना वास्तव में, वो 10 की 10 लीटर पीपा, अगर 10 लीटर का है पीपा बेटा, क्या अगर भाई 10 लीटर का पीपा है, कंचों से पूरा भर रखा है, लेकिन 4.6 लीटर पानी आएगा इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या है कि वास्तव में जो कंचे है ना, वो सिर्फ 5.4 लीटर जो ऑक्यूपाई किए हुए हैं, बाकी उन कंचों के बीच में जो जगह है खाली, वो कितनी है सारी मिला के, नहीं आपको, तो क्या बोलते हैं इसको, तो पीपा टोटल कितनी वॉल्यूम रखता है, 10 लीटर, इसमें से कंचे कितनी वॉल्यूम रखते हैं, और ये कितना भरा हुआ है पानी, 4.6 लीटर आ गया। तो आप ये बताओ, तो इस बक्से की टोटल वॉल्यूम क्या है, 10 लीटर का इसकी टोटल वॉल्यूम। अब एक्चुअल में कंचों ने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है बताओ बेटा, 4.6 में तो पानी आ रखा है, आपने कंचे ही भर दिए और पानी ही भर दिया, तो इसमें ऊपर तक कंचे और पानी भरे हुए हैं, तो आप बताओ भाई इसके अंदर जो मार्बल्स है वो टोटल कितना
वॉल्यूम ऑक्यूपाई क्यों बताओ, क्या 5.4 लीटर। तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई मार्बल्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई स्फीयर्स, एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाई स्फीयर्स डिवाइड बाई टोटल अवेलेबल वॉल्यूम, क्या होता है इसको, क्या बोलते हैं इसको, पैकिंग फ्रैक्शन। तो क्या इसकी एफिशिएंसी है बताओ, तो क्या है? तो 0.54 आएगी ना, ये भी लीटर में, ये भी लीटर में, ये एक प्योर नंबर, लीटर से लीटर क्या कैंसिल हो गया, डायमेंशनलेस नंबर होता, 0.54 आ गया। तो एक की स्केल पे गया 0.54 और 100 की स्केल पे क्या जाएगा, परसेंटेज में क्या बोलेंगे इसको, 54%। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो कंचे है ना इसमें 54% जगह क्या कर रहे हैं, ऑक्यूपाई। यानी अगर ये पिपा एक लीटर का होता कितना होता, तो 540 ml ऑक्यूपाई करते, 10 लीटर का है तो 5.4 लीटर, और अगर 100 लीटर का होता तो 54 लीटर जगह क्या करते, ये ऑक्यूपाई करते, नहीं आपको ये। तो यहां पर तो मैंने भाई पूरी पैकिंग के थ्रू समझाया है, लेकिन जो पूरी पैकिंग पे जो बात चलेगी वो बात तो एक यूनिट सेल के लिए भी क्यों होनी चाहिए, वैलिड नहीं होनी चाहिए क्या, कि यूनिट सेल को बार बार रिपीट करने से क्या बनता, पूरी लैटिस बनती है। तो अगर इस पूरी लैटिस के लिए जो बात ट्रू है वही बात उसके होनी चाहिए, अगर पूरी यूनिट से, अगर पूरी लैटिस के लिए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल वॉल्यूम क्या है बताओ, 0.54। तो ये अगर मैं यूनिट सेल की, अगर मैं सिंपल, अब इसको बनाओ, इसको हम बना कैसे सकते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से इसको नहीं बना सकते क्या, तो अगर मैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के वॉल्यूम को भाग कर दूं, क्या यहां पर क्या रख दूं, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, पूरी लैटिस नहीं, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, क्योंकि लैटिस किससे बनती है, यूनिट सेल से। तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द फुल लैटिस, वॉल्यूम ऑफ द फुल लैटिस, यहां पर मैंने क्या क्या था, वॉल्यूम ऑफ द फुल लैटिस 10 लीटर, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई मार्बल्स, यहां पर क्या करो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई यूनिट सेल, ऊपर क्या लिखो, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द फुल यूनिट सेल, और यहां पर क्या रखो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई पार्टिकल्स, नहीं समझे बात भाई, वॉल्यूम एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाई एक्चुअल वॉल्यूम, नहीं आपको इसको बेटा क्या बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। तो क्या मैं बताओ, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई पार्टिकल्स डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, नहीं आपको। तो आपने बेटा, आपने पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किसकी, अब हालांकि आपको ऑलरेडी आ रखा आंसर ये, आपको, आप सोचोगे कि मुझे कैसे पता था कि अगर मैं एक पिपे में क्या भरूंगा, मार्बल्स कैसे भरूंगा सिंपल क्लोज पैकिंग में, तो 10 लीटर के पिपे में 4.6 लीटर पानी आ जाएगा, पक्की बात, मुझे कैसे पता लगा, समझे बात, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 54%। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, तो सिंपल क्यूबिक लैटिस की भी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, 54% होगी। आपको मुझे कैसे पता लगा, एक काम करो, आप एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाओ, बना दी। तो अगर अब मैं इसके अंदर जो पार्टिकल है, तो बेटा पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई वॉल्यूम टोटल। तो अगर मैं यूनिट सेल की वॉल्यूम को रख दूं नीचे, यूनिट सेल की साइड क्या है, ए, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगी, ए क्यूब, है ना। ऊपर में क्या लिख दूं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई पार्टिकल्स, आपको वॉल्यूम कितने ऑक्यूपाई करेंगे पार्टिकल, तो आपको पता है, बताओ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में भाई कितने पार्टिकल थे, मैंने आपको बताया था सिर्फ कॉर्नर पे क्या होते हैं पार्टिकल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सिर्फ कॉर्नर पे क्या होते हैं, और कहीं नहीं होते भाई। और एक कॉर्नर का एक यूनिट सेल में कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है, 1/8 कॉन्ट्रीब्यूट करता है, 8 पार्टिकल होते हैं, तो पर यूनिट सेल कितने पार्टिकल होते हैं, एक, नहीं आपको। तो यहां पर मैं क्या पुट कर दूं, एक गोले की, इसमें सिर्फ एक पार्टिकल ना, इस पूरी यूनिट सेल में एक गोला होता है, हालांकि वो काट के 8 टुकड़ों में उल्टा करके चिपका रखा है, लेकिन है तो इसमें एक ही गोला। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, एक मार्बल होती है। तो अगर मैं इस क्यूबिकल बॉक्स की वॉल्यूम को तोड़ दूं नीचे,
टोटल वॉल्यूम की जगह, और उसे एक गोले की वॉल्यूम रख दूं ऊपर, तो क्या जाएगी मेरे पास? इसके अंदर जो खाली जगह नहीं होती अंदर की तरफ, वो आ जाएगी इसके अंदर, नहीं बेटा कोई। तो अब इसमें एक पार्टिकल है ना, तो गोले की वॉल्यूम क्या होती है? 4/3 पाई आर क्यूब होती होगी, क्या होती बेटा? गोले की वॉल्यूम क्या होती है? अरे किसी भी स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है भाई? 4/3 πr³ नहीं होती क्या? किसी भी गोले की वॉल्यूम क्या होती है? 4/3 πr². अब इनको हम, आप इनको कभी सोल्व नहीं कर सकते, क्यों सोल्व कर सकते बताइए? क्योंकि ये तो किसके लिए है, यानी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड तो किसमें है? आर की टर्म में। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड तो क्या है? तो आप ये बताओ, अब ये तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड तो क्या है? आर की टर्म में, और ये क्या है? ए की टर्म में, तो दिक्कत नहीं है क्या? तो या तो इसको भी किसमें लिखो? ए की टर्म में कन्वर्ट कर लो, ऐसे क्या करो, बात तो की रहेगी। तो काम करो, इनको दोनों को आर की टर्म में कर लो। तो यूनिट सेल की वॉल्यूम आपके पास क्या है? ए क्यूब होती होगी। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए एक गोला यहां होता है, एक गोला यहां होता है, तो 2r क्या होता है? 2r, एक गोला है, एक गोला है, होता क्या? तो 2r क्या होता है? a के बराबर नहीं होता क्या? तो a क्या होता है बताओ? ये क्या होता मेरे पास? 2r नहीं होता क्या? ये मैंने आपको वैसे पढ़ाया था वहां पर, जो मैंने आपको पढ़ा, मैंने आपको रिलेशन बताई थी इनके, नहीं पढ़ाई? तो a और r के मैंने आपको बता रखे रिलेशन क्या होते हैं। तो a और r कैसे होती हैं? तो क्यूबिक यूनिट सेल की जो लेंथ होती है ना, वो इस रेडियस क्या होती है? दुगने के बराबर होती है। तो a क्या होता है? 2r होता है। तो यहां पर क्या पुट कर दो? 2r का क्यूब, तो क्या हो जाएगा? 8r³, क्या हो जाएगा? r³ क्या हो गया? कैंसिल हो गया, नहीं आपको? अब बताओ आपने सिंपली क्या करना, बताओ, अरे बोलो, मतलब क्या मेरे पास ये? तो 4/3 πr³ ऊपर जाएगा 8r³ बेटा, आर से आर क्यूब, आर क्यों क्या हो गया? कैंसिल। बाकी सारे क्या नंबर हैं? इनको सोल्व कर लोगे? कितना आएगा पता सोल्व करने पर? 0.524 आएगा सोल्व करने पर भी। क्या आएगा रेशियो? 0.524 आएगा। अरे भाई 54 नहीं, वो 52 था, मैंने गलत बोल दिया। एक बात आपको पड़ गई ना, इसका मतलब कि, और परसेंटेज में क्या आ गया? 52.4%। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी वॉल्यूम होगी ना, यानी अगर 10 लीटर पीपा हुआ, यानी कि ये यूनिट सेल अगर 10 वॉल्यूम रखती है, तो गोला कितनी वॉल्यूम को पे करेगा? नहीं, अगर ये 100 वॉल्यूम रखती है, इस बॉक्स की वॉल्यूम क्या है? 100। तो इसमें गोला जो होता है वो कितनी वॉल्यूम रखता है? 52.4। बाकी खाली जगह होती है, उसमें पानी आएगा नहीं आपको? और एक स्केल पर क्या हो जाएगा? 10 लीटर तो 5.24, नहीं बेटा कोई। तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी नहीं रहा आपको, मतलब अगर हमारे पास सिंपल क्लोज पैकिंग हो गोलों की, क्या हो? गोलों की वो सिंपल क्लोज पैकिंग है, और हमने भर रखा है एक 100 लीटर का पिप्पा, कितना? 100 लीटर का पिप्पा। तो 100 लीटर के बॉक्स में आपने गोले भर रखे हैं, उसमें पता क्या होगा? तो वो सिर्फ 52.4 लीटर ऑक्यूपाई कर रहे हैं। हाँ। कितने बेटा? 52.4 और 100 − 52.4 यानी 47.6, क्या 47.6 लीटर क्या उसके अंदर पानी आ सकता है फिर आगे आपको। ये क्या इसकी पैकिंग एफिशिएंसी? बिल्कुल आपको क्लियर कट समझ में आ रहा क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छी, सही तरीका ना बिल्कुल ये। तो सबको बेटा ऐसे ऐसे टैकल करना है बिल्कुल, ओके। अब बताओ भाई, तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? पैकिंग फ्रैक्शन क्या था? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल वॉल्यूम करना बस। तो अब बताओ, अब हम क्या पढ़ते हैं? अब क्या बेटा हमारे पास है? FCC और हेक्सागोनल HCP। अब मैं आपको बताऊं, चाहे FCC हो, क्या हो, चाहे चाहे HCP हो, इन दोनों की सेम क्या होती है एफिशिएंसी? तो एक की निकालो दोनों पे लग जाएगी क्या? एक की निकाल लो दोनों पे लग जाएगा, दोनों पे आंसर आ जाएगा। तो FCC निकाल लेते हैं, ऊपर क्या? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। तो पहले आप बताओ भाई कि
एफसीसी पैकिंग में पार्टिकल्स कहाँ होते हैं? कॉर्नर पे और फेस पे, है ना भाई? पार्टिकल्स कहाँ होते हैं? कॉर्नर पे और फेस पे होते हैं। पार्टिकल है कॉर्नर्स पे और फेसेस पे, इस पे इस पे इस पे इस पे इस पे इस पे यहीं पे रखे, ठीक है बात? ओके, तो पर यूनिट सेल कितने पार्टिकल है? चार। तो आप कह रहे हो कि पर यूनिट सेल हमारे पास क्या है? चार पार्टिकल्स हैं। वेरी गुड। तो एक गोले की वॉल्यूम को मैं चार से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या जाएगा मेरे पास इसमें गोलों का कॉन्टेंट? नहीं, आपको इसमें चार गोले हैं ना, इसमें नेट कितने गोले हैं भाई? चार। कॉर्नर वालों के मिला के एक और फेस छह फेस के मिला के तीन, चार गोले हैं। तो मैं एक गोले की जो वॉल्यूम होती है उसको चार से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि इसके अंदर चार गोले कितनी जगह घेरे हुए हैं। तो एक गोले की वॉल्यूम क्या होती है? चार गोलों में क्या होगी? तो 16 बटे 3 पाई आर क्यूब। तो 16 बटे 3 पाई आर क्यूब क्या हो बेटा? होगी ना। अब यूनिट सेल लेंथ क्या होती है? ए क्यूब। अब फिर से वही दिक्कत आ गई, गोले जो जगह घेर रहे हैं इस बॉक्स में वो तो है आर की टर्म्स में, लेकिन यूनिट सेल की वॉल्यूम क्या है? ए की टर्म में। तो यूनिट सेल की वॉल्यूम में कैसे लिखो? आर की टर्म में। अब मैंने आपको बताया था कि भाई जो हमारे पास फेस सेंटर लैटिस होती है उसका मैंने ड्राइव किया था ये रिलेशन, आर का और ए का क्या रिलेशन होता है? आर क्या होता है? ए बाई टू रूट टू। आर क्या होता है मेरे पास? आर बेटा ए बाई टू रूट क्या? आर क्या होता है? ए बाई टू रूट। तो ए क्या होता है मेरे पास? टू रूट टू आर। क्या होता है ये? नहीं होता क्या? तो आप इसको किसे प्लेस कर दो फिर? ये मैंने आपको पढ़ा रखा ऑलरेडी भाई, एक और आर क्या रिलेशन होता है। तो यहां पर आप क्या पुट कर दो? ए क्या होता है? तो फेस सेंटर लैटिस के लिए ए क्या होता है? टू रूट टू आर नहीं होता? तो टू रूट टू आर का क्यूब कर दो। तो बताओ, तो अब ऊपर तो क्या है लेकिन, तो चार गोले कितनी वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे हैं? 16 बटे 3 पाई आर क्यूब, इजंट इट? लेकिन बेटा ये बताओ ये क्या कर रहे हैं हम? यूनिट सेल की वॉल्यूम क्या होगी मेरे पास? ये ए क्यूब थी ना, तो मैंने एक और रिप्लेस कर दिया टू रूट टू आर से। अब ये आर क्यूब हो जाएगा कैंसल, बाकी सब नंबर है, सोल्व कर लोगे। ये बताओ कितना आएगा हमारे पास? बताओ कितना है मेरे पास? कितना आएगा? 0.74 आएगा बेटा। ये कितना आएगा? ये सोल्व करने पर आएगा 0.74 आएगा, पक्की बात है, यानी 74%। कितनी? इसका मतलब क्या है? अगर उसी पीपे में, यानी अगर 100 लीटर के पीपे में कितना, नहीं यानी अगर 10 लीटर के पीपे में मैं जो कंचे भरता हूँ वो मैं सी सिंपल क्लोज पैकिंग में नहीं, कैसे भर दूँ? सी सी पी में, या मतलब एफ सी सी में या एच सी पी में, तो उसके अंदर पता कितना पानी आएगा सिर्फ? तो 7.4 लीटर तो क्या हो गया? ऑक्यूपाई होगी। तो दोस्तों क्या आएगा मेरे पास? 2.6। क्या? यानी अगर 100 लीटर पीपा होगा ना तो 74 लीटर तो ऑक्यूपाई गई उन्होंने कर ली, और 26 लीटर पानी आएगा। तो ज्यादा एफिशिएंट पैकिंग कौन सी है बताओ? वो तो ऑक्यूपाई करती थी सिर्फ अवेलेबल स्पेस का 54-52% तकरीबन, और ये अवेलेबल स्पेस का तकरीबन 74%। तुम क्या बोलेंगे? बेटर है। इसमें खाली जगह क्या होती है? कम बचती है। नहीं आपको? इट इज मोर एफिशिएंट पैकिंग। समझ में आपको ये? अब बताओ क्या हमारे पास? पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। अब हम पढ़ेंगे भाई पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ओके, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, उसको कैसे पढ़ना? अब उसमें बेटा हम बिल्कुल सेम तरीका भी अप्लाई कर देंगे, ठीक है? बताओ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस क्या होती है? उसमें पार्टिकल्स कहाँ होते हैं? कॉर्नर पे होते हैं भाई, और बॉडी सेंटर में होते हैं। तो पर यूनिट सेल कितने पार्टिकल होते हैं? कॉर्नर वाले मिला के एक और बॉडी सेंटर वाला एक, दो हो गए भाई। तो वॉल्यूम, तो इसमें दो गोले हैं देखा जाए तो, इसमें टोटल गोले कितने हैं? दो गोले। तो एक गोले की वॉल्यूम क्या होती है? 4/3 πr³। दो गोलों की वॉल्यूम क्या होगी? 8/3 πr³। क्या होगी? दो गोलों की वॉल्यूम। अब मैं किससे भाग कर दूं?
इस बॉक्स में दो गोले हैं नेट, दो गोलों की वॉल्यूम वाई बॉक्स की टोटल वॉल्यूम। बॉक्स की वॉल्यूम क्या होती है हमेशा ए क्यूब, नहीं भाई वही दिक्कत है आर में भी क्या है। तो आप क्या पता कर लो कि बॉडी सेंटर्ड के लिए आर और ए में क्या कोरिलेशन होता है। अब मैंने ये ड्राइव किया था बेटा, बॉडी सेंटर्ड में आर और ए में क्या कोरिलेशन होता है, आर क्या होता है रूट थ्री ए बाई फोर होता है। तो ए क्या आ गया, ए क्या आ जाएगा फोर बाई रूट फोर, अरे भाई ये फोर आर बाई रूट थ्री, बेटा ए क्या आ जाएगा फोर आर बाई रूट थ्री होगा क्या, नहीं आपको तो क्या किसी क्या क्या लिख दो फोर आर बाई रूट थ्री। तो अब ये बेटा क्या जाएगा, ये तो आर क्यूब हो जाएगा ना कैंसल, अब सभी नंबर पुट कर दो रेशो आ जाएगा। ये बताओ कितना है हमारे पास 0.68। इसका मतलब क्या है 68% वॉल्यूम ऑक्यूपाई होती है 100 लीटर के पीपे में। तो क्या क्या ही थी FCC क्या, सॉरी SCP क्या ही थी, SCP ये आई थी 52 आई थी बेटा 52%। ये क्या आई थी 74। FCC क्या आई थी 74 आई थी, और ये क्या है मेरे पास BCC 68% आई। इसका मतलब क्या है, अगर 100 लीटर का पिप्पा है उसमें हमने कंचे भर रखे हैं, मार्बल भर रखी है, अगर FCC अगर सी सिंपल क्लोज पैकिंग में है तो 52 लीटर जगह क्या हो जाएगी ऑक्यूपाई 48 लीटर पानी आएगा तकरीबन। अगर वही कंचे मैंने कैसे भर दी उसके अंदर FCC में, तो 74 लीटर जगह क्या हो जाएगी ऑक्यूपाई हो जाएगी 26 लीटर पानी आएगा। और अगर मैंने वही उसमें गोले कैसे भर दिए बॉडी सेंटर्ड पैकिंग में, तो 68% क्या हो जाएगी ऑक्यूपाई कर लेगा 68 लीटर, और क्या हो जाएगा बताओ बेटा 32 लीटर क्या हो जाएगा वहां पर पानी आएगा, नहीं आपको। तो आप इनका मुझे ऑर्डर बताओ, तो मोस्ट एफिशिएंट कौन से इनमें से मोस्ट एफिशिएंट, तुम क्या बोलेंगे फेस सेंटर्ड इज इक्वल टू HCP, ये तो बराबर ही होती है, ये क्या होती है मोस्ट एफिशिएंट इनमें सबसे। तुम क्या बोलेंगे सबसे एफिशिएंट कौन सी बताओ, CCP सबसे एफिशिएंट ठीक है, और भाई FCC और से कम कौन सी होगी, और सबसे कम कौन सी होगी SCP, समझे बात ओके। तो भाई इस लेक्चर में इतना है, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।